खबर बरेली से, जहां एटीएम गार्ड ने महिला से दुष्कर्म किया है। नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ रेप किया गया। महिला को 50,000 रुपए लेकर गार्ड ने बुलाया था। 20,000 रुपए लेकर महिला पहुंची थी, उसके साथ रेप किया गया। जब महिला ने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। प्रेम नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक एटीएम के गार्ड ने महिला को नौकरी का झांसा दिया, उससे 50,000 रुपए मांगे। महिला उसमें से 20,000 की रकम लेकर जब पहुंची तो गार्ड ने उसके साथ दुष्कर्म किया। फिलहाल चीख पुकार सुनकर लोग वहां पहुंचे और आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो प्रेमनगर थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां नौकरी का झांसा देकर एक एटीएम के गार्ड ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि लोग यहां पर पहुंचे महिला की आवाज सुनकर और फिर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। 50,000 रुपए मांगे थे इस महिला को नौकरी दिलाने के नाम पर। अनूप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अनूप बताएं, ये कौन गार्ड था और किस तरह की नौकरी का झांसा देकर इसने दुष्कर्म किया? प्रीति आपको बता दें, प्रेमनगर इलाके में मारवाड़ी गंज पड़ता है, वहाँ पर एटीएम है और ये महिला एटीएम से पैसे निकालने गई थी। उस दौरान उसकी मुलाकात वहाँ के गार्ड से हुई और नौकरी को लेकर बातचीत हुई, तो इसने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा, 50,000 रुपए जाएंगे। उसके बाद ये फोन करता रहा और फोन पर इसने बुलाया रुपए लेकर। महिला 20,000 रुपए लेकर पहुंची तो इसने अपने घर पर बुलाया और वहां पर इसके संग जबरन बलात्कार किया। इसके बाद महिला किसी तरीके से उसके स्ट्रैंगल से छूटी और शोर मचाया तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने उसको पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, उस गार्ड हिरासत में ले लिया गया और पुलिस पूछताछ कर रही है। वही महिला का जो है क्योंकि मेडिकल कराया जा रहा है।